नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेस्टइंडीज दौरे से धोनी बाहर क्यों हुए और उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या काम किया। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गए और हारने के बाद इतनी चर्चा हार की नहीं हो रही है जितनी धोनी रहेंगे या जाएंगे इस बारे में हो रही है। और वो इस पर काफ़ी टाइम चुप भी रहे और चूंकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम का सिलेक्शन होना था तो इस वक्त पता चल जाता कि सिलेक्टर्स धोनी को टीम में लेते हैं या नहीं। और शायद धोनी चुप इसलिए भी रहे हो ताकि पता चल सके कि ऐसे वक्त में कौन उनके साथ है और कौन उनके विरोध में है। और कुछ चेहरे सामने आए भी हैं, जैसे सहवाग ने भी इस चुप्पी पर एक शॉट खेल दिया। उन्होंने कहा कि संन्यास कब लेना है ये धोनी का फैसला है, लेकिन सिलेक्टर्स को धोनी को बता देना चाहिए कि अब टीम में उनकी जगह नहीं है। वहीं गंभीर ने भी अपना गंभीर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2012 की ऑस्ट्रेलिया की ट्राई सीरीज में धोनी का फैसला था कि वे गंभीर, सहवाग और सचिन को एक साथ नहीं खिला सकते क्योंकि वे 2015 के लिए वर्ल्ड कप के लिए युवा खिलाड़ियों को अवसर देना चाहते हैं। इससे पहले हमने किसी से नहीं सुना था कि 2012 में ही कोई आपसे कह दे कि आप 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर इस सब पर धोनी ने आखिर मुंह खोल ही दिया और सेलेक्टर्स को बता दिया कि वे अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं और अभी 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। इस दौरान वे आर्मी से जुड़े रहेंगे और पैरा मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग करेंगे और इसके लिए उन्होंने सियाचिन में पोस्टिंग भी मांगी है। तो अब देखना यह है कि धोनी ऐसा करके आखिर क्या करना चाहते हैं। इसे क्या वे संन्यास के बाद देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल वे संन्यास नहीं ले रहे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से धोनी को संन्यास लेना चाहिए या नहीं। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।